नमस्कार दोस्तों, आज हम एफिनिटी फोटो के एक स्पेशल फीचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस। इसके स्पेशल ट्रिक्स को समझेंगे कि कैसे इसे फोटो को बेटर वे में हम कलर चेंज कर सकते हैं और मनचाहा कलर चेंज कर सकते हैं। किसी सेलेक्टेड कलर का भी कलर बदल सकते हैं या पूरे कैनवास का कलर बदल सकते हैं। तो इसको किस प्रकार करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम एफिनिटी फोटो को ओपन कर लेते हैं, जो ये काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। आप इस पर प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। इसके साइट पे जाकर इसके ट्रायल को आप डाउनलोड करके इसे चेक कर सकते हैं। तो मैं इस पर एक फोटोग्राफ को ओपन कर लेता हूँ और जैसे ये वाली फोटो है, अगर हम इस पर HSL को अप्लाई करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट में जाना होगा। जैसे लेयर पैनल में आप लेयर को देख रही है, एक्टिव होना चाहिए। अगर ये ब्लू कलर का है तो ये लेयर एक्टिव है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आपको HSL मिलेगा। HSL मीन्स होता है कि ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस, यानी कि ह्यू ह्यू मीन्स हो गया आपका जो भी मेन कलर है उसको किसी अनदर कलर में हम शिफ्ट कर देंगे, तो आपका जो फोटो का जो मेन मेन कलर है सारा एक दूसरे वाले कलर से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ह्यू को शिफ्ट किया है, तो इस पूरे फोटो के हर कलर को हम चेंज कर रहे हैं किसी दूसरे वाले कलर सेट से। तो यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मैं केवल इसका ड्रेस का कलर चेंज करूँ और ये पूरे फोटो का कलर एज इट इज रह जाए, विदाउट सिलेक्शन बनाए। तो विदाउट सिलेक्शन बनाए केवल ड्रेस का कलर कैसे चेंज करेंगे, इसे देखते हैं एक ट्रिक के द्वारा। तो आप सबसे पहले HSL को ओपन कर लीजिए और यहाँ पहले हम इसे रिसेट करते हैं। डबल क्लिक करेंगे स्लाइडर पे तो ये स्लाइडर रिसेट हो जाएगा सारा, और हम इसके एक्चुअल कलर को देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका जो कलर है, ये बेस कलर इस वाले में से आपको सर्च करना है। जैसे मुझे रेड जैसा मैच कर रहा है, रेड नहीं है, पर्पल है, लेकिन उसके बेस कलर को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से मैंने बेस कलर को सेलेक्ट कर लिया है। अब बेस कलर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक पिकर टूल मिलेगा। पिकर के थ्रू हम किसी भी पार्टिकुलर कलर को, कलर के शेड को पकड़ सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पिकअप लेंगे और यहाँ ड्रेस के पर्पल कलर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये रेंज देखिए मूव हो गया है। मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं अंडू करता हूँ। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे रेड कलर लिया तो इस फोटो से रेड कलर सेलेक्ट हो गया, लेकिन पिकअप जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ पे ये स्लाइडर मूव होगा, ये चार स्लाइडर, और जो हमारे पर्टिकुलर कलर पे जिसमें मैंने क्लिक किया था वो कलर शेड इस पूरे कैनवास से सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे खास बात यह है कि ये जो कलर है ये पूरे इसके फेस में नहीं है, बैकग्राउंड में भी नहीं, यानी कि आसानी से इसे हम चेंज कर पाएंगे क्योंकि वो केवल ड्रेस पे है, दूसरी जगह पे नहीं है। अब हम यहाँ पे इसे रिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम सेचुरेशन को बिल्कुल जीरो कर देते हैं, जिससे इस कलर का जो वैल्यू है ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि कलर को हमने लेस कर दिया। एच मतलब होता है मेन कलर, और मेन कलर को हम किसी दूसरे मेन कलर से रिप्लेस कर सकते हैं। एस फॉर हो गया सेचुरेशन, यानी अमाउंट ऑफ कलर, कलर की अमाउंट को आपको मैक्सिमम रखना है। जैसे हम इसे बढ़ाते हैं तो कलर का अमाउंट बिल्कुल मैक्सिमम हो जाता है, और इसे लो करेंगे तो कलर का अमाउंट बिल्कुल लो हो जाएगा। और ल्यूमिनोसिटी होता है उस कलर में कितना ब्राइटनेस होगा या कितना डार्कनेस होगा। ब्राइटनेस और डार्कनेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसे मैंने रिसेट किया है। सबसे पहला मुझे ये करना है कि मैंने कलर बेस को सेलेक्ट किया, उसके बाद पिकअप टूल से हमने उस कलर को सेलेक्ट किया जो मुझे रिप्लेस करना है, फिर उसके सेचुरेशन को बिल्कुल हम जीरो कर देंगे, जिससे मुझे दिखेगा कि हाँ वाकई में ये कलर सेलेक्ट हुआ कि नहीं। इससे आप जान पाएंगे कि हाँ इस कलर पे काम हो रहा है, तो आपको आउटपुट दिखेगा, अदरवाइज आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो कलर सेलेक्ट है या नहीं। तो मैंने इसे जीरो करके सेचुरेशन को देख लिया कि हाँ ये जो ग्रे स्केल वाला पार्ट है यही हमारा कलर है जो एक्चुअल में सेलेक्ट हो गया, लेकिन इसका लिप का भी कुछ पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो कलर फॉल हो रहा बाहर साइड में, बाहर वाला फॉल पॉइंट है, तो फॉल पॉइंट को हम थोड़ा सा क्लोज ले जाएंगे, और उसके बाद फिर इस वाले पॉइंट को हम मैक्सिमम की तरफ ले जाते हैं। तो देखिए स्किन वाला भी कलर उसके रेंज में आ गया और उसको हम हटाना चाहते हैं, तो इसको वापस हम बैक ले जाएंगे और देखेंगे इसका फेस डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, लिप भी डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ तक इसको ले जाते हैं।
अब थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए, देखिए कपड़ा का जो कलर है ड्रेस वो पर्पल होना शुरू हो गया बाजू के पास, इसलिए इसे थोड़ा सा डाउन करेंगे। ड्रेस को मुझे ब्लैक एंड वाइट रखना है, थोड़ा सा और डाउन करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे है क्योंकि लिप भी अपने कलर पे है और ड्रेस जो है ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। अब इधर से हम फॉल वाला ऑप्शन को थोड़ा सा क्लोज लाएंगे और साइड में पकड़ कर हम इसे भी क्लोज ले जाते हैं। अब देखिए ड्रेस जो है फिर से पर्पल होना स्टार्ट हो गया, इसलिए इसको थोड़ा सा बैक ले जाइए और थोड़ा सा बैक ले जाके उस जगह पे इसे छोड़ दीजिए जहाँ पे ड्रेस बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट है। अब हमारा सेटअप तैयार है। सिंपल आप ह्यू को चेंज करें, सेचुरेशन को बिल्कुल नॉर्मल रखें और ह्यू को चेंज कर दें। तो मैं यहाँ पे ह्यू को चेंज करता हूँ और इसके बॉडी पे जो कलर सूट करेगा हम उस कलर को रखेंगे। ये कलर मुझे काफ़ी नाइस लुक दे रहा है, मैं इस कलर को रखता हूँ। तो इसे ओके कर देना है। तो है ना काफ़ी आसान, HSL के साथ आप किसी भी कलर सेट को पूरे कैनवास से चूज करके उसे रिप्लेस कर सकते हैं अनदर कलर में विदाउट सिलेक्शन बनाए।